नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामस्ट्री हीलर में स्वागत है। एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे। इनकी उनको डाउट था कि मेरी उम्र कितनी है। वैसे जो है ये 43 की होने वाली हैं, 42.5 की हैं। लिखा है कि माँ बाप को कोई कैंसर की कोई संभावना तो नहीं है, गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, और दोबारा शादी करूँ तो कैसा रहेगा, बिज़नेस कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। ना तो बिज़नेस कर सकती हैं ना ही दोबारा शादी कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। देखो रीज़न समझाऊं, यहाँ एक ये जो ट्रायंगल बना है ना, ये ट्रायंगल बना है, अगर यहाँ पर इस जगह पर शादी कर लेते ना आप, तो परेशानियाँ आती हैं आपके लाइफ में है, लेकिन तलाक फलाक और ये सारी चीज़ें नहीं होती, दूसरी शादी ये नहीं होते। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके बाद इस रेखा ने इस वाले पोर्शन की एनर्जी लेवल को ख़राब कर दिया। देखो ध्यान से देखो, कितना ही ज़्यादा जो है ये देखो, ये ऐसे समय पर आप शादी कराओ, ऐसे समय पर शादी कराओ, क्या ये राहु जो सूर्य जो है डिस्टर्ब्ड है, ये राहु यहाँ आया हुआ है तो क्या ये क्या करेगा सूर्य को? वो तो राहु है, किसी भी ग्रह को जहाँ कमी होती है वो वहाँ पे उसकी जो है साइड में हो जाता है, इसका सिर ही नहीं होता। जैसे केतु है ना, जिसे हम कहते हैं जिसका सिर नहीं है, राहु कहीं पर भी पलटी मार, जैसे नारद मुनि जी, अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये कहूँ तो गलत नहीं। ये जो साइन, जैसे ये जो ये ट्रायंगल है, क्या ये है राहु का इम्पैक्ट? ये देखो ये लाइफ, ये क्या है, क्या आपको ऐसे समय पर शादी करनी चाहिए? अगर ये साइन बने हैं, मैं लाइफ में मैं लिख कर दे सकता हूँ कि लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। लाइफ स्पॉइल तो यही हो जाएगी, ये है कि यहाँ ये यहाँ तक अलग हो जाएंगी। इसका साइन का मतलब ये है, देखो ये साइन तरक्की का होता है ना, तकलीफ़ें आई अलग हो गई और दोबारा जाने की कोशिश कर रहे घर वाले करवाएंगे। ये जो साइन ही जो बने हुए हैं ये ऐसे बने हैं, ये दोबारा जाने की कोशिश हो ही नहीं सकती, टिक ही नहीं सकती, जितनी मर्जी कोशिश कर लो टिकने की, ये टिक ही नहीं सकते हैं, टिक ही नहीं सकते। तो मुद्दा क्या कहता है, मुद्दा कहता है लाइफ में 31-32 साल तक आप अगर अलग भी रह लेते हो, दोबारा घर वाले कह देंगे कि जाने के लिए, ये शादी नहीं टिक सकती। स्ट्रगल का पैमाना, ये ट्रायंगल बना हुआ है, स्ट्रगल का पैमाना, ये यहाँ से अपने लिए कुछ करना है। ये देखो ये कैसे कैसे ट्रायंगल बने हुए हैं, कैसे कैसे ट्रायंगल बने हुए हैं। नीचे देखो ये मुसीबतें, ये देखो क्या मुसीबतें पड़ रही हैं। ये ट्रायंगल बनाया, ये देखो ये है माँ बाप, ये माँ बाप की जो चीज़ें जो बीमारियाँ आई हैं वो यहाँ से आई हैं, इन रेखाओं पर नीचे कट के निशान है। ये एक साइन है, ये देखो ये आपका 19-20, ये देखो ये टॉपिक, ये एक डॉट है और इसके साथ एक साइन ऐसे बना है। ये क्या है, पहले डॉट फिर ऐसे फिर ऐसे, ये ऊपर बना है ना, तो ये क्या है, पढ़ाई में दिक्कत। अब इसी के नीचे देखो साइन क्या बना है, इसी के नीचे साइन क्या बना है, ये वाला साइन, पहला साइन है यूं फिर कट का निशान फिर यूं। अब ये क्या है कि ये क्या है, पैसा लेना, इन्होंने कहीं से प्रॉपर्टी या कहीं से पैसा इनके माँ बाप ने बच्ची के पढ़ाई के ऊपर लगाया होगा, बच्ची पढ़ना चाह रही, ये साइन इसलिए आए हैं। अब ये इतने गंदी पिक्चर आई है, फिर भी मैंने सॉफ्टवेयर लगाकर सारी चीज़ें देखी हैं, रीज़न समझाता हूँ। ये देखो मैं थोड़ा कुछ बना रहा हूँ, मैं तो इतना देख रहा हूँ कि एक डॉट लगा, इसके साथ एक साइन बना हुआ है, ये वैसे एक तरीके का ट्रायंगल है, और यहाँ पर एक साइन ऐसे बना, ऐसे करके ऐसे बना है। तो ये क्या है, 19-20। अब देखो इसी के साथ ये ट्रायंगल बने हुए हैं ना, ये अब क्या है, पहले पढ़ाई में दिक्कत, तो आप क्या बोलोगे, पढ़ाई अभी यहाँ आकर कंप्लीट हुई होगी। अब इसके आगे ये साइन आ रहे हैं ना,
ऊपर ही ऊपर में ये साइन आ रहे हैं ना, ये आगे ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये पढ़ाई अभी करना चाह रही होंगी लेकिन कर नहीं पाएंगी, कोई कोर्स ज्वाइन कर ले 23 साल पे या कुछ कर ले, नहीं कर पाएंगी। फिर मैं क्या करती हूँ, अब वो देखो वो वाला साइन आने लग गया, ये देखो ये ही वाली, वो साइन फिर दोबारा आ जाएगा जिससे मैंने कहा था कि आगे जाकर कि भाई आप ये देखो, ये वाले साइन ने इसको टच कर रखा है, इस वाले साइन को, इस साइन को टच कर रखा है ना कि रिश्ता आया होगा। मैंने कहा यहाँ शादी हो सकती थी, कहती हाँ ये रिश्ता फिर भी ठीक था लेकिन हमने मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जिंदगी में लिखा ही यही था, ये रहा यहाँ करो शादी आप। क्यों? क्योंकि ये साइन ऊपर जाकर सूर्य पर्वत पर जाकर, ये देखो ये ट्रायंगल्स यहाँ बने हुए हैं ना, ये यहाँ बना, इसने एनर्जी लेवल को ही खराब कर दिया, ये देख लो। तो शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, और इनकी दूसरी शादी में भी दिक्कत है, डेफिनेटली दिक्कत है। ऐसे लोगों को, ये कोई मछली का साइन नहीं है कि आप मछली का साइन है, ये क्या है, मछली का साइन नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि बड़े बड़े ट्रायंगल्स और उसके नीचे ट्रायंगल्स बना है, मुसीबत ज़बरदस्त तरीके से आती है, बहुत मुसीबतें आती हैं लाइफ में, पर ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपकी लाइफ में आप ये सोचते हो कि मेरी लाइफ गवर्नमेंट जॉब से निकल जाएगी या कुछ हो जाएगी, मैंने ग्रुप डी बोला है और प्लस बोला है मैंने आपकी टेम्परेरी जॉब, और आप टीचिंग लाइन में हो, मैंने कहा प्राइमरी प्लस टेम्परेरी। देखो ग्रुप डी सबसे छोटा होता है, समझते रहना, ग्रुप डी में प्राइमरी जो है क्लास वो छोटी है लेकिन ग्रुप डी का मुकाबला नहीं करती है। ग्रुप डी का मुकाबले में क्या आता है, प्राइमरी टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगे, इसका मतलब ठीक है ना, इसका मतलब ये है। अब ये देखो ऐसे समय पर ये है, आपने बहन की भी शादी, अगर किसी की शादी यहाँ पर कर दी, ये देखो ये डॉटेड पर, इस पर क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल बने हुए थे, नहीं करनी चाहिए। ये देखो ये क्या है, ये है आपकी फैमिली मेंबर, ये देखो ये पुश्तैनी होती है ना, और डॉट 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 डॉट, ये बिजनेस कर रहे हो आप, मैंने बिजनेस भी मना कर दिया, माँ बाप इसके बाद से मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई ना कोई न्यूज़ आएगी पेरेंट्स की, और ये टाइम पीरियड पर आपने अपना बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस करने का क्या मतलब है कि नौकरी छोड़ दी आपने, वो छोड़ोगे इस जगह पर, ये वाले साइन पर, इस वाले साइन पर छोड़ोगे, फिर बिजनेस करोगे, ये बिजनेस के साइन है, नहीं चलेगा बिजनेस, नौकरी करो नौकरी करो नौकरी करो, ये हाथ यही कहता है। अब हाथ है ही ऐसा तो क्या कह सकते हैं, मैं तो यहीं तक देख पा रहा हूँ, ये साइन ही बहुत गंदा है। तो आपने कहा कोई पेरेंट्स को कैंसर या कोई चीज़ें डिटेक्ट, डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें जो है गलत चल रही हैं 46 से 48 के बीच में। और इस समय पर देखो एक साइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लड़ाई झगड़े का भी साइन है, ये मैं क्या कहता हूँ, ऐसे करके ऐसे बनता है ये लड़ाई झगड़ा, या ऑपरेशन तक भी करवा देता है, ऑपरेशन तक भी करवा देता है। तो ये लड़ाई झगड़ा, अगर बिजनेस करते हो तो भी साथ वाले से या किसी से कोई ऐसी पंगे पड़ेंगे, नौकरी करते हो तो आपका बॉस जो होगा यहाँ पर कोई जो है दिक्कत डालेगा। मे भी आप छुट्टी लेना चाहते हो, पेरेंट्स बीमार है कुछ है, वो यहाँ से एक नई टेंशन क्रिएट कर देगा, कोई इल्ज़ाम लगा देगा, कोई कुछ कर देगा, तो बेटर है इस समय पर थोड़ा सा जो है ध्यान रखना। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो हाथ तो शो कर रहा है, ये 9 साल पर कोई प्रॉपर्टी आपके गांव पर है समथिंग, उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन कराया, इसके बाद आपने जगह चेंज करी आपके पेरेंट्स ने 14 से 15 साल की उम्र में, ठीक है। अब यहाँ पर स्टडी में दिक्कत, ये स्टडी में दिक्कत है, तो नीचे क्या करा घर वालों ने, ये देखो ये क्या है, पैसा लेना, घर वाले
ठीक है, और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी प्रॉपर्टी रख कर या कुछ करके ये पढ़ाई के लिए आपको करा, यही साइन आगे जा रहा है ना, यही साइन आगे जा रहा है। तो यहाँ तक कोई चीज़ कंप्लीट हो गई, पढ़ना चाहती थी लेकिन कोई कोर्स करना चाहती थी, यहाँ पर नहीं होगा। नौकरी करने की इच्छा, नौकरी करने की इच्छा तो यहाँ पर भी आई थी, इस जगह पर भी आई थी, कोई कोचिंग या फिर वो चीज़ शुरू करी होगी, ट्यूशन या कोई कोचिंग, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है, आपने ये रिश्ते, लेकिन अगर ये रिश्ता यहाँ हो जाता, यहाँ नहीं होने चाहिए थे ये अगर होते हैं तो इसके बाद से लाइफ जो थी, आना जाना आपके, आप अपने मायके आ जाओगे, यहाँ से फिर भेजा जाओगे आप, लेकिन यहाँ टिक नहीं सकती हैं शादियाँ। ये तो यहीं से फीलिंग आ गई थी कि आपकी शादी अब तलाक में कन्वर्ट होगी, ये है। फिर अब मैं अपनी ज़िंदगी कैसे करूं, कैसे बिताऊं, मैं चाहे दूर मिलती है नौकरी, जैसे मिलती है, मैं यहाँ पर पढ़ाई करती हूँ, नौकरी करती हूँ, नौकरी छोड़ी, फिर दूसरी पकड़ी, फिर छोड़ी, फिर करी, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कर रहे हो, यहाँ एक मुसीबत, दो मुसीबत, तीन मुसीबत आ रही है, आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पर कहीं पैसों का अरेंजमेंट करके करा, यहाँ बहन का कोई रिश्ता बिश्ता आया होगा, ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। यहाँ से पेरेंट्स की जो है हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ये पेरेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यानी पेरेंट्स को ज़्यादा बीमारी यहाँ डिटेक्ट हो रही है। इसके बाद से ये देखो, ये साइन का क्या मतलब है, एक पेपर पेंडिंग पड़ा है, ये आप बड़े पॉजिटिव हो कि 43 साल है ना, 81 में 43 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 2024, अभी एक पेंडिंग पड़ा है, ये आप सोच रहे हो। लेकिन ये वाली जॉब यहाँ आकर, इस जॉब दो साइन का मतलब है छोड़ देना, बिजनेस शुरू करा है, ये छोड़ देने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं लगेगी ये वाली जॉब, अगर लगी तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी, जो आप सोचोगे बहुत लो लेवल की है, कुछ मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, बेटर है मैं बिज़नेस करती हूँ, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है, ठीक है। अगर है भी तो प्राइमरी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये मैंने कहा, वैसे यहाँ छोड़नी नहीं चाहिए, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भी है छोड़नी नहीं चाहिए, मुद्दा ये, ठीक है। यहाँ से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपके पेरेंट्स की, बिज़नेस आपने शुरू करा लेकिन यहीं से ये देखो नो बिज़नेस लिख दिया, घाटे ही घाटे, घाटे घाटे। अगर ये बिज़नेस नहीं करते तो 47-48 फिर भी नौकरी आप बचा सकते हो, अगर आप चुपचाप रहो, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी, ये समय सही नहीं, आपकी बच्ची के लिए 45 साल तक प्रॉब्लम है, उसके बाद ठीक है, ये है, इतना ही दिखाता, इतना ही बता दिया। गुरु, सूर्य, शुक्र, तीन उपाय ले लीजिएगा, ठीक है। तो बी टफ बनो, दूसरी शादी के योग है ही नहीं, ऐसे समय में क्या करूँ, जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये देखना, ये दिक्कतें आ रही हैं, ये दिक्कत आ रही है, पेरेंट्स की टेंशन आ रही है, बहनों की टेंशन आ रही है, ठीक है, अच्छे साइन नहीं दिखे, ये लड़ाई झगड़े हैं। अगर इन यहाँ पर आपके अपने दूसरी शादी में लड़ाई झगड़े हो गए तो क्या होगा, यहाँ पर आप नो बिज़नेस लिखा है तो यहाँ पर क्या है, नो शादी जो होगी वो टिकेगी नहीं, उसमें लड़ाई झगड़े होंगे मेजर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपकी शादी नहीं होनी चाहिए दूसरे, ठीक है, धन्यवाद।